नमस्कार दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने किताब में एक बार नहीं बार बार पढ़ा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और तवालु नामक देश दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र है। लेकिन दोस्तों, चाइना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। चीन ने कहा है कि भारत को लोकतंत्र नहीं, असली लोकतंत्र तो हम हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? चाइना है। दोस्तों, ये बात मैंने बोल रहा हूँ, चीनी सरकार ने खुद बोला है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है। दुनिया को लग रहा है कि चीन पगला गया है, चीन पता नहीं क्या क्या बोलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है और चीन ने एक ही बात से भारत दोस्तों बदनाम करने की कोशिश किया है और भारत से अपने आप को महान बताने की कोशिश किया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और चीन के इस प्रोपेगेंडा को दुनिया के कई सारे देश मान भी रहा है। दोस्तों, हम लोग को अब कंट्रोल करना ही होगा, चीन का औकात दिखाना ही होगा, क्योंकि चीन हमें हर सेक्टर में कंपटीशन दे रहा है। और आप जानते हैं, चीन जो अपने आप को पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलता था, अब बोल रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आखिरकार दुनिया वाले हमें इतना दबाना क्यों चाह रहा है? और दोस्तों, चीन ने 3-4 रीजन दिया है, बोला कि ये रीजन पहचानो और हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का आप लोग उपाधि दो, नहीं तो आने वाले समय में हम लड़ के अपना हक है वो लेके रहेंगे। भारत को दुनिया का लोकतंत्र बड़ा नहीं है, दुनिया केवल मूर्ख बन रहा है। दोस्तों, चीन ने तरह तरह की बातें कहा है और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अब की बार हम लोग कुछ करना ही होगा। कब तक आखिरकार हम लोग चीन के बात को सहते रहेंगे? चीन को जब जो मन होया वो बोल के चला जाता है। दोस्तों, अब की बार चीन को हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारना होगा। और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार ने चीन को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा जाल चल दिया है। दोस्तों, इस जाल में चीन मकड़ी की तरफ फंस जाएगा, देखेंगे चीन तरफ तरफ यहीं पे मर जाएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर हुआ क्या है और चीन क्यों अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बता रहा है, आखिरकार उसे हो क्या गया। दोस्तों, आप पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं दुनिया के कोने कोने में हर मीडिया हमेशा तारीफ करता है भारत का, बोलता है कि भारत सचमुच में दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। दोस्तों, ये बात चीन को पचने रहा है। चीन को लगता है कि भारत को फ्री में तारीफ मिल रहा है, भारत को दुनिया फ्री में खूब बढ़ चढ़ कर लिख रहा है, आखिरकार ये कब तक चलेगा? और दोस्तों, चीन का ये जो वर्जन है ना, ये पहली बार नहीं है, जब से मोदी सरकार आया ना 2015 के बाद। दोस्तों, उस समय 2015 से लेकर अब तक लगातार 4 बार 2015 में, 2016 में, 17 में, 18, 19 में, 20 में, 21 में, लगातार दोस्तों हर बार चीन ने केवल यही दवा ठोका है। 2015 में पहली बार चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने ये दवा ठोका था, फिर 17 में ठोका, अब दोस्तों चीन की सरकार ये दवा ठोक दिया है कि हम असली लोकतंत्र है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चीन का कहना है कि देखो भैया, हमारा लोकतंत्र सबसे अलग है, हमारा लोकतंत्र अमेरिका से भारत से अलग है। हम वोटिंग का राइट सबको नहीं दिए हैं, कुछ कुछ लोगों को दिए हैं। हमारे यहाँ भी इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ 150 करोड़ जनसंख्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हुए। उनका कहना है कि हमारे पार्टी के अंदर चुनाव होता है, उस चुनाव के आधार पे यहाँ पे राष्ट्रपति बनता है, कोई भी बड़ा बड़ा पद मिलता है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हम हुए। दोस्तों, ये सारे आम फर्जी है। दुनिया में आज लगभग 196 से अधिक देश है और बड़ी बात यह है, दुनिया में कम से कम 170 से अधिक देश है ना, कितना दोस्तों, 170 से लेकर 75 देश जो अपने आप को लोकतंत्र बोलता है, जबकि वो लोकतंत्र है ही नहीं। मान लीजिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बोलता है, यहाँ तक कि रसिया भी अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बोलता है, यहाँ तक कि चाइना दोस्तों अब दवा ठोक रहा है कि वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन दुनिया के में सब जानता है कि रूस में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे जो चाहे पुतिन वही कर सकता है। नॉर्थ कोरिया में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे किम जोंग जो चाहे वही कर सकता है। दोस्तों, वहाँ पे केवल वोटिंग होता है नाम के लिए, ठीक है, वहाँ पे वोटिंग होगा और बंदूक के दम पे बार बार नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का ही शासन आएगा, उसका परिवार वाला का ही आएगा। और दोस्तों, यही रशिया में भी है, बंदूक के दम पे 2000 से लेकर अब तक क्या हुआ है, केवल पुतिन का ही सत्ता रहा है। तो बड़ी बात तो यह है, चीन में भी यही है, वहाँ पे केवल एक ही पार्टी है, वह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और बंदूक के दम पे दोस्तों ये सत्ता स्थापित किया है, वहाँ पे दूसरा कोई पार्टी है ही नहीं, यानी कि एक ही पार्टी का रूल होगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, आखिरकार डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का क्या क्या मुख्य धारा होता है? दोस्तों, लोकतंत्र का पहला मतलब यह होता है कि वहाँ के लोगों को पूरी तरह से आज़ादी हो, वो खुल के लिख सके, खुल के
बोल सके, सरकार को घेर सके, प्रधानमंत्री किसी को भी जमकर लतार लगा सके, किसी को भी धो सके, जो मर्जी हो कह सके। और जिस दिन जनता को गुस्सा आ जाए, अगर जनता को गुस्सा आ जाए तो किसी भी सरकार को गिरा के अगला सरकार बना सके, उसे कहते हैं लोकतंत्र। जहाँ पे प्रेस आज़ाद हो, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हो, यानी कि सब आज़ाद दोस्तों, उसे कहते क्या कहते हैं, लोकतंत्र। और भारत इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जबकि दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना कहना है कि हम भी लोकतंत्र, दोस्तों जबकि ये सच्चाई बिल्कुल है कि चीन में चुनाव होता है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत ही चुनाव होता है, बाहरी किसी का चुनाव नहीं होता। दोस्तों जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना से जुड़ा हुआ है वही चुनाव करता है, वहाँ पे राष्ट्रपति लाता है, लेकिन वहाँ पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता है, नहीं बोल सकता है, और जो बोले उसे फांसी हो जाएगा। दोस्तों वो पूरी तरह से कम्युनिज्म को अपना लिया है। आप बोलेंगे तो आखिरकार ये चाइना वाले क्या बोलना चाह रहा है, दुनिया को क्यों मूर्ख बना रहा, आखिरकार उसका विचारधारा अब लोकतंत्र में क्यों आ रहा है। दोस्तों आप जानते हैं भविष्य में चीन का बुरा हाल होना है, चीन जानता है कि अगर ये कम्युनिज्म का धारा हम अपनाए रहेंगे तो 100% हमारा हाल सोवियत संघ जैसा होगा। सोवियत संघ एक समय पे बोलता था कि लोकतंत्र कुछ नहीं है, लोकतंत्र को उखाड़ फेंको, दोस्तों सोवियत संघ खुद ही उखड़ गया, ठीक है, 14 हिस्सा में टूट गया। चीन को पता है कि ये गलती हम ना करें, और चीन इसीलिए अपने आप को लोकतंत्र प्रक्रिया से जोड़ रहा है, बोल रहा है कि देखो भाई हम भी लोकतांत्रिक देशी है, ठीक है, हमारा लोकतंत्र अलग है। अब चीन बोल रहा है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है ना, उसे हम प्रमोट करेंगे, दुनिया को कोने कोने में बताएंगे, और दुनिया हमें एक्सेप्ट करेगा, मानेगा, भारत को हम नंबर एक से हटा देंगे, असली लोकतंत्र हम हैं। दरअसल दोस्तों शी जिनपिंग ने जो अपना काली करतूत किया है ना, आप जानते हैं शी जिनपिंग खुद को चाइना का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट मान लिया है। दोस्तों शी जिनपिंग ने वहाँ पे संविधान में बदलाव किया है और लिखवा दिया है कि जब तक शी जिनपिंग जिएगा तब तक वहाँ का प्रेसिडेंट बना रहेगा। तो दोस्तों शी जिनपिंग को पता है कि ये हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, हमने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, और इसी कांड के बदौलत हमारे यहाँ विद्रोह न छिड़ जाए, हमारे लोगों में आक्रोश न फैल जाए और पार्टी के अंदर ही फूट न पड़ जाए। दोस्तों इसीलिए अपने पार्टी वालों को मूर्ख बना रहा है कि देखो भाई हम तो डेमोक्रेसी प्रक्रिया से, हम तो लोकतांत्रिक तरीका से हम यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हुए हैं, लोगों ने हमें समर्थन दिया, फिर हम राष्ट्रपति बने और तमाम नेता के बदौलत हम संविधान में बदलाव किए, हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये कर रहे हैं, यानी कि ये प्रोपेगेंडा दोस्तों फैला रहा है। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा देश है जो अपने आप को लोकतंत्र नहीं बोलता? जी हाँ दोस्तों, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कई सारे देश है ना मुस्लिम कंट्री बोलते हैं कि भाई हम ना लोकतंत्र है, नहीं कम्युनिज्म है, हम तो मनार्क, यानी कि हमारे यहाँ राजशाही चलता है, ठीक है। दोस्तों बड़ी बात तो यह दोस्तों भारत को अब ये बात चिढ़ गया है, और भारत दोस्तों काउंटर करने के लिए एक नया मुहिम शुरू करेगा और चीन को हर मंच पे धक्के मार के भगाएगा। और दोस्तों चीन चाहे कितना भी कुछ बोल ले ना, दुनिया जानता है कि असली लोकतंत्र कौन है और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है। दोस्तों ये सच्चाई है, भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन चीन को ये बात पच नहीं रहा है। और दोस्तों भारत को फ्री में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खासतौर से दुनिया तारीफ कर देता है, ठीक है, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चीन को यही बात नहीं पच रहा है। चीन को लगता है कि हम हर साल कम से कम 50 से लेकर 60 बिलियन डॉलर, कितना, 50 से लेकर 60 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं चीन को प्रमोट करने के लिए, और भारत को फ्री में प्रचार मिल जाता है, भारत को सब फ्री में खूब प्रचार लिखता है, खूब अच्छा लिखता है। इसीलिए चीन अब जो एक नंबर का जो लोकतांत्रिक है ना, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका पद छीनने का कोशिश कर रहा है, हाईजेक कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये कुछ काम आने वाला है नहीं।